Hello everyone, welcome back to another video from your Grammar Glitter Odyssey book of class 6th. We are studying the Brain Root series and aaj hamare chapter ka naam hai interjections. Chaliye dekhte hain hamare paas kya hai is chapter mein. An interjection is a word used to express sudden and strong feelings or emotions. It is followed by an exclamation mark or a comma. तो interjection एक वो word है जो कोई sudden feeling या कोई emotion को express करता है, ठीक है? और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी एक interjection word होगा वो एक exclamation mark के साथ ही end होगा. जैसे हुर्रा, we won the match. तब देख सकते हैं ये हुर्रा जो है ये एक इंटरजेक्शन है क्योंकि ये एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट ये एक्सप्रेस कर रहा है. इसके बाद हमने एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, ठीक है. अह वेयर हैव दे गॉन, सो यू कैन सी दैट ये जो इंटरजेक्शन है इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है. हश, द बेबी इज अस्लीप, सो हश इज ऑल्सो इमोशन. सो इसके बाद भी हमने एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया इस तरीके से. आउच, यू हर्ट माय लेग. तो जो भी ये सारे वर्ड्स हैं जो कुछ ना कुछ फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ आई वुड से इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो सारे हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं, ठीक है. अब इंटरजेक्शंस कैन एक्सप्रेस वेरियस इमोशंस. हम ये लिस्ट देखेंगे अब कि आप कौन कौन से इंटरजेक्शंस किस किस फीलिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले है एडमायरेशन. जब आप किसी चीज़ को एडमायर करते हैं, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? वाओ, राइट. अगर आपको अपना पेन एक्सप्रेस करना है तो आउच, ठीक है. सरप्राइज़ के लिए हा, व्हाट, ओ, गुड हेवेंस, ये सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, ड्रॉइंग अटेंशन. अगर आपको किसी की अटेंशन ड्रॉ करनी है अपने टूवर्ड्स तो आप क्या लिख सकते हैं? लिसन, बेहोल्ड, लुक, ठीक है. नेक्स्ट इज अप्रिसिएशन. आपको किसी को अप्रिसिएट करना है, अप्रिशिएट करना है तो आप क्या करेंगे? ब्रावो, वेल डन. तो ये कुछ वर्ड्स हो गए. सोरो एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब सैडनेस एक्सप्रेस करने के लिए अलास, या फिर ओ, या फिर आ, राइट. सेड एट द एंड ऑफ द प्रेयर. जब आप एक प्रेयर कर लेते हैं उसके एंड में जो वर्ड यूज होता है वो क्या है? आमिन या फिर एमिन, राइट. नेक्स्ट इज जॉय. जॉय के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? हुर्रा या फिर हा हा. सो ये हमारे कुछ इंटरजेक्शंस हैं जिसके साथ आप वेरियस टाइप ऑफ इमोशंस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है कॉलिंग, हेलो, हो, हाय. फिर बिकमिंग साइलेंट, चुप. किसी को चुप कराने के लिए हम क्या बोलते हैं? हश, राइट. कंटेम्प्ट, पू, व्हाट अ शेम, ठीक है. सीकिंग अटेंशन, हे, लुक. तो हमने यहाँ भी सीकिंग अटेंशन पढ़ा था, यहाँ पर भी हम पढ़ा, ठीक है. चलिए अब आगे देखेंगे हम. नेक्स्ट आप हमारे पास है एक टास्क जिसके अंदर हमें सूटेबल इंटरजेक्शंस यूज़ करने हैं. सबसे पहला देखते हैं. सो फर्स्ट वन, डैश, व्हाट आर यू डूइंग हियर. तो एक्सप्रेस करना है हमें एक सडन सी सरप्राइज्ड फीलिंग की, ओ, व्हाट आर यू डूइंग हियर. डोंट मेक अ नॉइस, तो आप इसके साथ क्या यूज़ कर सकते हैं? हश, ठीक है. डैश, हैव दे गॉन, सो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? अह, हैव दे गॉन. डैश, ही इज़ नो मोर. तो अगर आपको अपनी सैडनेस एक्सप्रेस करनी है तो आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? राइट. सो दिस वन कैन यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ. अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे ही बताया है कि सैडनेस के लिए आपको क्या यूज़ करना है. ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, डैश, द टीम हैज़ लॉस्ट अगेन. अलास, द टीम हैज़ लॉस्ट अगेन. तो आप अलास भी यूज़ करते हैं अपना सोरोफुल एक्सप्रेस करने के लिए. डैश, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. एंड अगेन लास्ट टू, द सेवेंथ एंड एट्थ आर योर होमवर्क. आप ये खुद ट्राई करिएगा, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. व्हाट इज़ द इमोशन एक्सप्रेस बाय ईच इंटरजेक्शन, वी विल डिस्कस इट. अलास, वी आर रुइंड. तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर? ये सैडनेस का एक इमोशन है, या फिर ग्रीफ, मतलब बुरा लगता है जब आपको ग्रीफ एक्सप्रेस हो रही है. सेकेंड, ब्रावो, योर गेम वॉज परफेक्ट. तो दिस इज एप्रिसिएशन, बीइंग हैप्पी, अप्रिशिएशन बेसिकली. ओके, डियर मी, व्हाट हैव यू डन. तो ये तुम एज अ यू नो ग्रीसफुल मैनर से भी पूछ सकते हो, राइट.
Next, well done, you deserve the award. This is also the same appreciation. Fifth, hey, how was your weekend? So this is what? Saying hi, starting a conversation. इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ अ हैप्पी मोड. ओके, हश, द टीचर इज़ कमिंग. तो आपको किसी को जब साइलेंट करना होता है, इफ़ यू रिमेंबर, तब हम हश यूज़ करते हैं. तो आप टू मेक समवन साइलेंट जब आपको करते हैं तो हम हश वर्ड यूज़ करते हैं. एंड द लास्ट टू, द सेवेंथ एंड एट्थ, काइंडली ट्राई योर सेल्फ इन योर होमवर्क. आई होप यू कैन डू इट. ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ. आज हम शुरू करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंशन. आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा आई एम श्योर कॉम्प्रिहेंशन, पर हम इसे और हायर लेवल पे पढ़ेंगे अब. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? आपको एक सेट ऑफ वर्ड्स या फिर एक पैराग्राफ जैसे हम बोलते हैं, आपको लिखा हुआ होगा एक पैराग्राफ या फिर एक बड़ा सा यू नो सम स्टोरी और समथिंग, आपको वो अच्छे से पहले रीड करना है. एंड आफ्टर दैट यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन इट. आपसे उस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन, उस पर्टिकुलर पैसेज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, तो वो क्वेश्चंस क्यों होते हैं? आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कि आपने कितने थरली उस पैराग्राफ को रीड करा. चलिए देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक पोयम है. सो लेट्स सी दिस पोयम. देयर लिव्ड सेज इन डेज ऑफ योर एंड ही अ हैंडसम पिगटेल वोर. But wondered much and sorrowed more because it hung behind him. He mused upon his curious case and swore he'd change the pigtail's place and have it hanging at its face, not dangling there behind him. Says he, the mystery I've found. I'll turn me round, he turned him round, but still it hung behind him. Then round and round and out and in, all day the puzzled sage did spin. In vain, it mattered not a pin, the pigtail hung behind him. And right and left and round about, and up and down and in and out, he turned, but still the pigtail stout hung steadily behind him. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैन के बारे में बात हो रही है जिसकी एक हैंडसम सी पिगटेल है, एंड वो एक्सप्रेस कर रहा है कि उसकी जो टेल है वो कैसे उसके आसपास हमेशा राउंड राउंड एंड आउट घूमती रहती है. ठीक है, एंड दो हिज एफर्ट्स नेवर स्लैक एंड दो ही ट्विस्ट एंड ट्वर्ल एंड टैक, अलास स्टिल फेथफुल टू हिज बैक. तो अब आप बता सकते हैं ये अलास क्या है? परफेक्ट, दिस इज एन इंटरजेक्शन. The pigtail hangs behind him. So this poem is written by William Makepeace Thackeray. Okay, so now we have the task. Task के अंदर आपको क्या करना है? आपको ये पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका आंसर करना है. ठीक है, चलिए चलिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, what was unique about the sage? मैं आपको हिंदी में बताऊंगी एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन्हें प्रॉपर रिफ्रेम करके इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू, वी विल डिस्कस टुगेदर. ठीक है, तो सेज की यूनिक चीज़ क्या थी? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू राइट इज हिज हैंडसम टेल, हिज हैंडसम पिग टेल विच वॉज ऑलवेज लैकिंग अबाउट यू नो राउंड एंड आउट ऑन हर बैक. ओके, तो उसकी पिग टेल थी उसकी यूनिक चीज़. What does the curious case refer to? The curious case was about the pigtail who never ever left his back. What was the sage solution for the curious case? Solution की अगर हम बात करें तो solution क्या था? पढ़िए ये वाली line. And swore he changed the pigtail's place. तो उसने क्या सोचा था कि अब मैं काम करता हूँ, अपने pigtail की ना position ही change कर देता हूँ, back के बजाय front रखता हूँ. तो ये उसने एक solution निकाला था. ठीक है, अब फाइंड द वर्ड्स इन द पोम विच मीन द फॉलोइंग. सबसे पहला है लॉन्ग अगो. तो हमें ये ढूंढने हैं वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं पैसेज में भी, और आपको ये बताना है कि कौन कौन से यू नो वर्ड्स हैं जो इनकी तरह बिल्कुल सेम मीनिंग की तरह होते हैं. तो आई गेस दिस वन एक्सरसाइज यू कैन डू योर सेल्फ, देर इज नथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट इन इट. आई टेल यू वन, द अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव को आप हैंडसम भी बोल सकते हैं. आप देखिए यहाँ पे हैंडसम वर्ड यूज हुआ है, तो हैंडसम यू कैन राइट. ओके, सो आई थिंक दिस वन यू कैन डू योर सेल्फ, वन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ टू डू.
सो नाउ आई होप कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छे से समझ आ चुका है. सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है, थरली पैसेज को दो बार पढ़ना है, एंड फिर आपको क्वेश्चंस पे जाना है और आप क्वेश्चंस क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल स्मूथली निकाल पाएंगे. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.